हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू में स्वागत है। दोस्तों अपने इस वीडियो में बात करेंगे, सबसे बड़ी न्यूज़ तो ये है कि दोस्तों रीट वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि अगस्त में 31,000 पदों पर रीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगस्त में रीट वाले काफ़ी इंतजार कर रहे थे कि कब आएगी और कितनी वैकेंसी आएगी। दोस्तों इसके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि 31,000 पोस्ट जो अगस्त में होगा जारी। ठीक है, और व्याख्याता भर्ती परीक्षा जो मामला चल रहा था दोस्तों, वहाँ पे गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट किया है अभी कि दोस्तों सभी पक्षों को सुनने के बाद एवं अशोक गहलोत जी ने चर्चा के बाद निम्न तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। तीन वो निर्णय, एक तो व्याख्याता परीक्षा की तारीख नहीं बढ़ेगी और सितंबर माह में 3,000 पदों की नई व्याख्याता भर्ती निकाली जाएगी, क्योंकि दोस्तों जो बच्चे लगे स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि अभी तो हमारे तैयारी नहीं है। उनके लिए दोस्तों ये एक निर्णय लिया है कि 3,000 पोस्ट उनके लिए अलग से निकाले जाएंगे, जिन्होंने बाद में एक बार फिर तैयारी का मौका मिलेगा जो सितंबर में एग्ज़ाम किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देख लीजिए गोविंद सिंह डोटासरा लाइव है, यहाँ पे आप सुन लीजिए क्या कहा गोविंद सिंह डोटासरा ने। क्या यथावत रहेगी, क्योंकि जो वो बड़े परेशान हैं, समय पे परीक्षा कराना चाहते थे, उन सब से बात हुई। रात को जो हॉस्पिटल में जो भर्ती थे बच्चे अनशन पे थे, उनसे बात हुई, माननीय किरण लाल मीणा जी से बात हुई, सारे प्रतिनिधियों से, सब वर्गों से बात करने के बाद में सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग इन छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो अभी पात्र नहीं हो पा रहे हैं, इसके लिए हम सितंबर में लगभग 3,000 पदों की भर्ती प्रमोशन आदि कर करके पद बनाएंगे और पद बना करके सितंबर में हम लोग भर्ती करेंगे। और माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की सरकार ये चाहती है कि बेरोजगारों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी यथावत रहेगी, ये परीक्षा यथावत रहेगी, क्योंकि जो लोग 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं वो बड़े परेशान हैं। और दूसरी बात, विद्यालय में जो छात्र हैं वो भी चाहते हैं कि हमें विषय का अध्यापक मिले जिससे हम भी हमारा भविष्य सुधार सकें। समय पे परीक्षा कराना चाहते थे, उन सब से बात हुई।